बदली है, करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को। उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, एक नया इतिहास रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण। आई अपील टू यू, राम ज्योति विल गिव यू ऑल द इंस्पिरेशन नीडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। All what is needed for betterment of life is only Ram. If there is no Ram, there is no survival. For that purpose, I... Bharat Mata Ki! Sogand Ram Ki Gaate Hai! Sogand Ram Ki Gaate Hai! Hum Mandir Vahi Banayenge! Vakya Vakya Ram Ka! Sarbhumi Ke Ram Ka! Ram Janmabhoomi actually belongs to Hindus. It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu. आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा? Yes, definitely, 100%. आप क्या काम करते हैं? I am doing my business, oil business. आप जाने वाले हैं अयोध्या? Yeah. कौन सी तारीख को निकलेंगे? Well, that depends on my booking. यहाँ से कितने लोग जाएंगे? Say, well, not less than 50,000. बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। उसके तकरीबन 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। इनमें से कई मंदिरों का ये दावा रहा कि राम यहीं जन्मे हैं। इस समय तक अंग्रेजों के पैर भारत में जम चुके थे, पर वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे से अपना तख्ता पलट जाने का खतरा महसूस करते थे। शायद इसीलिए अंग्रेज इस अफवाह को हवा देने लगे कि मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर किया था। आपसी तनाव के बावजूद हिंदू मस्जिद के प्रांगण में राम चबूतरे पर पूजा करते रहे, जबकि मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे। इस समझौते का अंत 1949 में हुआ, जब कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर घुसपैठ कर राम मूर्तियां रख दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नैयर ने दंगा फसाद की आशंका जाहिर करते हुए मूर्तियों को वहां से हटाने से इनकार कर दिया। बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए और संसद सदस्य भी बने। मस्जिद को सील बंद कर मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया गया। कोर्ट ने पुजारी नियुक्त किए और हिंदू मस्जिद के बाहर से पूजा करने लगे। आज हिंदू कट्टरपंथी कसम खा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी हो, वे मस्जिद की जगह एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। दुनिया भर से रामशिलाएं और चंदा इकट्ठा हो रहा है। उधर वीडियो अभियान मस्जिद में राम जी के चमत्कारी रूप से प्रकट हो जाने का दावा कर रहा है। दिसंबर की रात मैंने देखा कि बाबरी मस्जिद में यकायक चांदी सी फूटी और उस तेज रोशनी में मैंने देखा कि 4-5 साल का बेहद खूबसूरत लड़का खड़ा है। जब बेहोशी टूटी तो मैंने देखा
कि सदर दरवाजे का ताला टूट कर जमीन पर पड़ा था, सिंहासन पर बुत रखा हुआ था और लोग आरती उतार रहे थे। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। मगर मस्जिद में हुए करिश्मे की वास्तविकता कुछ और ही है। अयोध्या में अब भी वे महंत जिंदा हैं जिन्होंने राम मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रखा था। महंत राम सुभग दास जी महाराज शास्त्री अखिल भारतीय रामानंद संप्रदाय के प्रधानमंत्री, ये प्राइवेट महंत भी हैं और उस ट्रस्ट के सर्वाधिकारी हैं। आपने श्री राम जन्मभूमि के अंदर श्री राम लला जी का प्राकट्य उत्सव किया था, वह कौन सा डेट है, कौन सा तारीख है, कौन सा सन है, आप बताने का कष्ट करें। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। आपके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजर था? उस नियुक्ति में प्रधान नैयर साहब थे, के नैयर, जो यहाँ के डीएम थे। और 1949 से लगातार प्रतिमा रखी गई है, तब से नहीं हटाई गई अभी तक। तो आप ही ने रखी थी? महंत राम सुभग दास जी शास्त्री जी जो आप सामने में हैं, आपने ही रखी थी। हाँ जी, हमारे और भी सहयोगी थे, केवल मैं नहीं था। तो मूर्ति रखने का काम आपको कैसे, उसके बारे में आपने कैसे सोचा? ये तो स्वप्न रूप हुआ, उस स्वप्न को साकार किया मूर्ति रख के। गवर्नमेंट ने आपके नाम से वारंट जारी किया था, वो वारंट का नकल मैं इस समय आपको मौजूद में दिखा सकता हूँ। आपको जेल से कैसे निकला? जेल से फिर वो जमानत पर रिहा हुए, मुकदमे चले और मुकदमे से आप फिर बरी हो गए। नैयर साहब ने निर्णय दिया कि जब तक इस केस का फैसला ना हो तब तक इसे बरी कर दिया जाए। मेरा जो प्रारंभिक काम था कि भगवान राम उसमें स्थापित हों, इस सिद्धांत लेकर जितना काम करना था मैं किया। अभी बोलने पे मुझे गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं। बाबरी मस्जिद के बुजुर्ग इमाम और उनके बेटे वही दिन याद करते हैं। 1949 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज़ पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर के दूसरे दिन सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज़ पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतनी में मौज़न रात में आया, जो वहाँ मस्जिद में रहता था सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला, उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि आप इस जुमे की नमाज़ कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम दो चार जुमे में इसका फ़ैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज़ पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब, जिनका नाम है नैयर, इन्होंने उसमें बुत रखा दिया रात को, और
जब सुबह की नमाज पढ़ने गए लोग तो वहाँ नहीं जाने दिया गवर्नमेंट के। हो गया आप जानते थे किसी को जो वहाँ सुबह नमाज पढ़ने? अरे अरे वो उसमें तैनात थे, मुकर्रर थे, अजान देने वाला अलग और नमाज पढ़ाने वाला एक खास आदमी होता है जिसको पेश इमाम कहा जाता है। आप कभी गए नमाज पढ़ने? हाँ गए हैं। और आज तक आप लोग अभी यही नहीं समझ सके, अब क्या समझने आए हैं? अब तो ये मामला बहुत दूर पकड़ गया ना अब तो साहब। अब जेर गौर है वहाँ अदालत में, दुनिया अब खलफसार हो गया, खुदा मालूम कितने लोग नज़र आतश हो गए, कितने लोग मौत के घाट पहुँच गए। और इसके बाद जनाब आज आप आते हैं उसके उसके लिए जांच के तो लिए। हम लोग उसी के सहारे हैं कि क्या फैसला होता अब है। तो हमारी बात जौन पहुँचे कर रहा पहुँच गई, अब हमारी बात क्यों पहुँचाने वाला नहीं है और ना हमारी बात में कोनो ताकत है। आज इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि जनाब हमारी सूरत से लोग बेजार हैं। ১৯৮৬ में दोनों संप्रदायों के कट्टरपंथियों को खुश रखने के लिए सरकार ने एक ओर तलाकशुदा मुसलमान औरत से रख रखाव का हक छीन लिया तो दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए। विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया, लेकिन उनके कट्टर रुख के जवाब में हिंदुओं का फिरका परस्त गुट हिंसा पर आमद हो उठा। दंगों में 2,500 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। लालदास जी विवादास्पद राम जन्मभूमि के कोर्ट नियुक्त पुजारी हैं। ये जो विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम चलाया है, मंदिर तो बनाने के लिए कोई रोक नहीं था। फिर हमारे यहाँ ऐसा कोई विधान नहीं है कि हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदिर ही मानते हैं। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा ही है, चाहे वो किसी भी मकान में रख दिए जाएं तब भी हम उसको मंदिर ही कहते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ विराजमान है वो मंदिर ही होता है। फिर अलग से मंदिर बनाने का कोई औचित्य नहीं। अगर अलग से भी बनाया जाता तो उस इमारत में जिसमें हम भगवान विराजमान हैं हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियाँ होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। हमारे देश के सामने तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि 1949 से आज तक किसी मुसलमान ने वहां कोई अवरोध नहीं पैदा किया। लेकिन जब इन्होंने यह नारा दिया कि बाबर के संतानों से खून का बदला लेना है, तब पूरा देश जो है वो दंगाग्रस्त हो गया और कम से कम हजारों लोग इसमें मारे गए, मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन तब भी इन लोगों ने जरा सा यह महसूस नहीं किया कि यह तनाव जो देश में फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम की जो एकता आज हमारे देश में बनी हुई थी, तमाम मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को जो जागीरें दी, आज जानकी घाट में माफीनामा मिला, हनुमानगढ़ी के बहुत से भाग मुसलमानों के बनाए हुए हैं, फकीरी राम जी का मंदिर मुसलमानों का माफीनामा है, ये तमाम जो जागीरें मुसलमानी शासकों द्वारा मंदिरों में दी गई और अमीर अली और बाबा रामचरण दास की जो समझौते थे कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों एक मिलकर के रहेंगे, उसी जन्मभूमि के पार्ट में दो भाग किया गया कि एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, एक तरफ हिंदू पूजा करेंगे, ये सारी बातें जो थी उस पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। हिंदू लहर का लाभ उठाते हुए भाजपा की लोकसभा में सीटें 2 से बढ़कर 85 हो गई। 1990 में
भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ जैसे सजी एक एयर कंडीशन टोयोटा गाड़ी में रथ यात्रा शुरू की। 10,000 किलोमीटर लंबी ये यात्रा मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक जुटाते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली है। जो स्वप्न देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे जो खेल रही है आंगन में कुचल कर मानेंगे हम मंदिर वही तो केवल धाकी है काशी मथुरा बाकी है ये तो केवल धाकी है काशी मथुरा बाकी है बच्चा बच्चा राम का भाषण चल रहा है ना तो वही सुन रहे हैं हम लोग तो वही गरीब के लिए क्या करते हैं ये लोग अभी हम लोग ऐसे फुट पैर रहते म्यूनिसपालिटी आती तोड़ डालती कि क्या करेंगे बारिश में बच्चे लोग लेके सोते स्टेशन में जाते तो भगा देते पुलिस लोग ये क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है ना ये भाषण चल रहा है ना के बारे में अभी हमको क्या मालूम इतना मालूम रहता तो बता देते हम पढ़े इंसान नहीं है क्या करेंगे वो क्या चल रहा है क्या नहीं हमको मालूम भी नहीं मालूम रहता तो पढ़े ले इंसान नहीं करता हूँ। आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को इतना बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं बनेगा। आज प्रातःकाल में यहाँ पर आया तो मैंने एक अखबार में मोटी मोटी खबर देखी यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने मेरे नाम एक खुली अपील की है जिसमें कहा है कि अडवाणी वॉर्न ऑफ कम्युनल राइट्स इस प्रकार की बातें करना के सांप्रदायिक दंगे होंगे मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूं तो शरारत करने के लिए चार लोग भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम इस यात्रा के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी ये मुझे विश्वास है और यह यात्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उत्तरदायित्व के साथ लेकिन निश्चय के साथ यह विकृत सेक्युलरवाद हमको स्वीकार नहीं। आश्वासनों के बावजूद रथ यात्रा के दौरान हिंसात्मक घटनाओं में कई लोगों की जानें गईं, मगर रथ बढ़ता गया। तैयारी तो देखिए रहे हैं बहुत धूमधाम से हो रही है उनके स्वागत के लिए। स्वागत के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सरकार के कहने से मंदिर और मस्जिद का निर्माण नहीं होता है, यह धर्म की बात है और यह पब्लिक का अपना अटूट विश्वास की बात है। आप कौन से पार्टी के हैं? हम पार्टी वार्टी तो खैर छोड़िए, अभी धर्म की बात जहाँ तक बोलते हैं तो हिंदू धर्म से हम कंसल्ट हैं। पार्टी में नहीं है? पार्टी तो ही है, किसी न किसी पार्टी से जरूर कंसल्ट है। हाँ, वही पूछ रहे हैं। हम ऐसे दिल से कांग्रेस शाही को चाहते हैं लेकिन हम धर्म की जहाँ तक बात है तो हिंदू धर्म को तो ही है। देखिए मंदिर वो मेरा है। हा? जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं है, सदियों पुराना है। उसको मुसलमान लोग भाई तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे दंगा फसाद होने की संभावना है। हाँ, देखिए दंगा फसाद तो हर हाल में होगा ही, हो तो कोई उसका परवाह नहीं है क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पूर्वज का है आदिकाल से और मंदिर वहाँ रहेगा ही। दंगा फसाद होगा? दंगा फसाद अगर होगा तो हम भी तैयार हैं, हम शांति चाहते हैं लेकिन अगर मेरे रास्ते में कोई रुकावट आएगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं।
सब एक है। रही जात की बात, यहाँ कौन से जात के हैं? आप कौन से जात के हैं? हम आते हैं फॉरवर्ड में। हाँ फॉरवर्ड में नहीं नहीं बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड में बैकवर्ड में बैकवर्ड में साउ साउ जिसको बोलते हैं ना बनिया केसरी 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 बोल। सबसे पहले तो संघ बना है आरएसएस, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद बना है और बजरंग दल तो विशेष करके राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बनाया गया। जैसे ये यूथ विंग है विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल। भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरा एक संघ परिवार है। ये बजरंग दल मतलब है एक हिंदुओं का युवा शक्ति एक साथ एक नाम से संगठित हो, जैसे कि राम जी का वानर सेना था। तो आप क्या काम करते हैं? हम अभी लॉ कर रहे हैं। हाँ लॉ कर रहे हैं, वकालत। वकालत और आप? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ आपसे। मेरा अपने इलेक्ट्रिक की दुकान है। हाँ इलेक्ट्रिक की दुकान है, इलेक्ट्रिक बिजली इलेक्ट्रिक। क्यों आए आप इसमें? हम लोग जो भी विश्व हिंदू परिषद के ऊपर गलत नज़र देगा उसके लिए हम लोग उसका कोई भी कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। यानी क्या? जैसे जैसे उसके साथ अगर मारपीट का समय आया तो मारपीट किया जाएगा, बातचीत का समय आया अगर बात से काम चल जाता है तो बात से ही हम लोग निपट लेंगे, नहीं तो उसके साथ हम लोग बाध्य होकर के मार्केट करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। किनसे लड़ाई करनी पड़ेगी? जो भी हमारे हिंदू धर्म के विरोधी हो, जैसे जैसे कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ अपने ही हिंदू लोग हैं जो कि हम लोगों को बाधा पहुंचाते हैं हिंदू धर्म के विषय में। राम जी का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में कोई प्रमाण है? उसके बारे में भी प्रमाण है, जो रामायण में बहुत सारे बातें हैं उसको दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है। तो राम जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? ये तो पौराणिक बातें हैं, इसको बताना तो हमारे लिए जरा सा असंभव होगा। राम जी का जन्म कहाँ हुआ ये मालूम है, मगर कब हुआ ये नहीं मालूम। नहीं तिथि के विषय में कोई जानकारी मुझे देना असंभव लगता है। आप बता सकते हैं? जी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये ऐतिहासिक विषय है और इतिहास में अपने आप को पिरो देने वाला ही व्यक्ति उसको उसके बारे में कुछ बता सकता है। नहीं आपने पढ़ा होगा ना लॉ में? अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही है, हमने अभी उतना कुछ पढ़ा नहीं है और लॉ में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। लॉ में नहीं, अपने जैसे धर्म गुरु वगैरह बताते हैं। हाँ बताते हैं। राम जी का जन्म कितने साल पहले हुआ? खुद हजारों वर्षों की पूर्व, हजारों लाखों लाखों वर्षों, हजारों वर्षों की पूर्व, हजारों वर्षों की पूर्व। कौन सी शताब्दी? इसका इतिहास की पूर्व है, त्रेता त्रेता युग में। इतिहास से आधुनिक इतिहास से इसका पता हम नहीं कर सकते। द्वापर युग में कृष्ण का। आओ महाराज आओ। अच्छा मैं आपको बता दूं। आपको आराम से आराम। आपको धन्यवाद है, इतिहास के लिए कहूँ इसलिए। हाथ भी नहीं लगा देना। क्या कर रहे हैं यहाँ? हाँ हमको दर्शन करना है, उसको आरती दिखाना है। आ रहा है ना उधर से, राम जन्मभूमि को आरती दिखाना है। अच्छा सेवा करना है। अच्छा तो जो भी मोटर गाड़ी आती है वहाँ दर्शन कराते हैं जी? हाँ? ना राम जन्मभूमि को। हाँ
ये पीछे आप देखिए, मंदिर आएगा उधर से पूरा मंदिर। हाँ हाँ, ट्रक से उधर से ट्रक में मंदिर आ रहा है। आएगा आएगा, जो लिखा हुआ है। आज की तारीख में देख लीजिए, जैसे ही हमारी विजय यात्रा भगवान राम जी की रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी लेके बंबई पहुंचे, वैसे ही जनता दल के 68 सदस्यों ने इस्तीफा देने के लिए उनको अपील कर दी है। बीपी सिंह को, केवीपी सिंह साहब आप हट जाइए, और वीपी सिंह साहब को देखिए। मंडल ये लोग की क्या आवश्यकता थी आज की तारीख में? आप सबसे सलाम मशवरा करते, पहले दूसरे मसले हल कर ले, लेकिन नहीं, उनको अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मंडल आयोग थोप दिया। और मुलायम सिंह यादव जैसे आदमी कहते हैं हम रथ यात्रा को अंदर नहीं घुसने देंगे, असली यादव नहीं लगता हमें, क्योंकि अगर असली यादव होता तो रथ यात्रा का स्वागत करता, ये असली यादव नहीं है। ये यादव मुझे लगता है कुछ पिछड़ी जाति होती से कहीं से आया होगा। मंडल आयोग के आधार पर सरकार ने निचले वर्गों के लिए आरक्षण की नीति अपनाकर उच्च जातियों का गुस्सा मोल लिया है। यह गुस्सा भाजपा और राम मंदिर के समर्थन में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन शोषित वर्गों में एक नई जागरूकता उभर रही है। मैं गोमती नगर की रहने वाली हूँ और नाम मेरा भगवान देवी है। सिलाई का काम, कपड़ा की दुकान भी है, दोनों दुकानदारी में करती हूँ। वही मजूरी खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी करते थे उन्हीं लोगों को जो मंदिर में बैठते हैं, पुजारी लोग पूजा करते हैं उन लोगों के हम नौकरी करते थे और काट बीन करके देते थे तो वो खाते थे, पेट भरते थे। और जब गल्ला घर में भर ले तो कहें बाहर ही हटो, आप छूत हो, गल्ला हमारे घर अब आ गया है, अब आप छूत हो, चलो भागो यहाँ से, हमारे घर में कदम नहीं रखना, क्योंकि उन्हें उनके घर में गल्ला आ चुका है। और अगर हम उसके बाद में लोटिया छूना चाहे तो हमें लोटिया छूने नहीं देंगे। ये स्थिति पहले की थी, हमारे बुजुर्गों की थी, हमें हमारे बुजुर्गों को इसी तरह से सताया गया है, इन्हीं लोगों ने सताया, मंदिर के पुजारी लोगों ने। मगर अब कह रहे हैं कि अब आ सकते हैं, अभी वही बात है। यहाँ काश पहुँच रहा, हम काश करने वाले, 45 साल की मेरी उम्र है। आज कितने साल हुई जिस वक्त अंग्रेज गया है, तो अगर तोड़ना जिसको रहा है तो वही से हटा दिया होते, न जाने कब बना। आज हम चार छः बार अयोध्या जा चुके हैं और वहाँ पर मंदिर और मस्जिद बराबर बना है,
तो जब नारा बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में सब भाई भाई, तो जब भाई भाई हो आज 40 साल और पता नहीं कितने साल पहले बना, तो अब उसमें क्यों मंदिर तोड़ दिया जाए, क्यों मस्जिद तोड़ दी जाए, दोनों बने रहा। जैसे हम हिंदू भाई एक जगह बैठते हैं तो हम दोनों भाई रहें। वो भी देवता हैं, हम दोनों को मानते हैं। मुस्लिम भाई उसमें नमाज पढ़े, हम उसमें पूजा करें, हमारी समझ में ये आता है। और उसमें एक बिगाड़ने से कोई नतीजा हल नहीं होना होना है, और सिवाय नुकसान जनता पर नुकसान होना। आप कौन से लगते हैं? हम रैदास और बताओ तुम। चमार जिसको कहते हैं वही है। धर्म निरपेक्ष दलों के आह्वान पर लोग रथ यात्रा के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने पटना पहुंच रहे हैं। 43 साल के आज़ादी के बाद में भी महंगाई आज आसमान को छू रही है, बेकारी आज करोड़ों नवयुवकों की है, भूखमरी और गरीबी आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्ष्मण रेखा के नीचे हैं। यहाँ पर निरक्षरता बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इनमें से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं। एकमात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जिद की। बिरथ रघुबीरा के नाम पर एक रथ पर चढ़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाव चिन्ह कमल को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराते हुए देश भर में रथ यात्रा कम करते हुए घूम रहे हैं, तो ये किस लिए घूम रहे हैं? बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए? अगला चुनाव अगर आवे तो 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए? मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। अगर आज ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश में बसने वाले 85% हिंदुओं को बेशक जाता है। लेकिन न महात्मा गांधी, न जवाहरलाल नेहरू, न फांसी के तख्त पर लटकने वाले हमारे वो सैकड़ों तमाम जो शहीद हुए, उनमें से एक ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान नहीं दी, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। मगर ताज्जुब की बात है, हट है, मंदिर वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। इसमें राम की मर्यादा है, अयोध्या राम का जन्मस्थल है, माना। ये बात हिंदुओं का एक विश्वास, उनके अस्मिता का सवाल है, इस बात को मैं मानता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे, अडवाणी जी या कोई और, कि अयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं, ये मुझको वो कह दे। अयोध्या के कहीं भी जाकर के आप मंदिर बना लीजिए, हम में से हर किसी ने हजार बार इस बात को मंजूर किया कि मंदिर आप बनाएं, बेशक अयोध्या में बनाएं, बेशक भव्य बनाएं, मगर ये हट ना करे कि मस्जिद टूटने पर ही वो मंदिर बनेगा, ये हट ना करे। हम में से कोई लाल झंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो, हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं। एक धर्म की अस्मिता और अहंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, असहिष्णुता भी है, मानवता भी है और जात पात की व्यवस्था भी है। और इसीलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनेक प्रकार के सुधार लाने के प्रयत्न किए, जात पात व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, आज भी वो कायम पड़ा हुआ है। आज एक नया प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक हैं और किसी चीज के लायक नहीं है, आज एक प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए। लेकिन वही ताकतें जो हिंदू धर्म के अंदर कठमुल्लापन कायम रखना चाहते हैं, झंडा लहराकर मस्जिदें गिराना चाहते हैं, वही लोग
इस देश के अंदर में वर्णाश्रम और जात पात के नाम पर भी जो है तो आज कसमें खा रहे हैं और उसके प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो, इनकी मनोवृत्ति को समझ लो। और इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर ये सारी लड़ाइयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी, मंदिर जरूर बनेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं कहूंगा देशद्रोहियों सावधान, जाग उठा है राम भगवान। आपने कहना है देशद्रोहियों सावधान, जाग उठा है राम भगवान। मैं कहूंगा ये तो पहले झांकी है, आपने कहना है काशी मथुरा बाकी है। ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इन्होंने तलवार दी थी भाई को, आज मैं उनको ये तलवार दे रही हूँ उनके अभय के लिए, उनके निर्भय के लिए। एक बहन ने तलवार देना अपने आप में इतिहास बनता है। बोलो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की, सौगंध राम की खाते हैं। एल के आडवाणी जिंदाबाद, राम भक्त जिंदाबाद। और जोर से बोलिए भगवान श्री राम की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यह मामला ऐसा है जिसका समय पर सही निर्णय ले लेना चाहिए। मेरे साथ एक बार बड़े जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की। Good evening, the headlines. Today's Bharat Bandh, sponsored by the BJP in protest against the arrest of Mr. L.K. Advani, resulted in stray incidents of violence. In Rajasthan, army was called out in Jaipur city. The decision followed incidents of arson, looting and stabbing. 5 persons, including 1 policeman, were killed. In Gujarat, at least 8 persons were killed in escalated violence today during the one-day Bandh called by the BJP and the VHP. In Rajasthan, the situation is tense in Jaipur, Jodhpur, Alwar and Nagaur. In all, 49 persons have been killed so far in Rajasthan. However, there was no fresh incident. Sudhara constituency, Haryana se main vidhayak hu, Janata Dal se. Abhi aaj main party se resign kar raha hu. Ye mandir banna chahiye, kyunki Musalman jo log hain, wo hamare kiraedar hain. 1947 mein Akbar Patel ji ne ek baat kahi thi. इन सालों को भगा दो मॉमडन्स को, हमने अपना घर खाली करा लेना है, बाई फोर्स, बाई हुक और बाई क्रुक हमने अपने मकान को खाली करा देना है। आती है करा के रहेंगे, मंदिर बनेगा। विजय राजे सिंधिया हमारी माता जी, माधव राव सिंधिया की माता जी, मेरी माता जी, अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, विजय मल्होत्रा और आपके मदन लाल खुराना, हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी से आज मैं पत्रकार सम्मेलन बुला रहा हूँ शाम को। मैं रिजाइन करूँगा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊँगा या कांग्रेस साई में। जनता दल आज मैंने छोड़ दिया, मैं विधायक हूँ, MLA हूँ हरियाणा से, ताऊती भी लाल के यहाँ से, लेकिन आज मैं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हूँ। मुलायम सिंह यादव मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता, उसकी पावर नहीं। पंडित चरणजी लाल MP करनाल से मेरे मामे हैं, सुषमा स्वराज मेरी सगी बहन है। आज मैं सरकार छोड़ रहा हूँ इनके गुंडापन से। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मानता देते हैं। नहीं, गलत। ये पृथ्वी के अंदर तो दुई राजा, वो सोमरस है। हम
भाई साहब बता रहे हैं कि आपने सुबह से शराब पी रखी है। ये सोमरस है, इसका बहान बड़े बड़े देवताओं ने किया, दुर्योधन ने किया, दुर्योधन ने किया, धृतराष्ट्र ने किया, श्री कृष्ण ने किया, तो ये तो सोमरस है, किसको पीने के बाद दिमाग बढ़ता है। हम तो कहीं फैसला हुए वही ठीक है, वो अपना मस्जिद बनाओ, हम लोग अपना जो है मंदिर बनाए, आओ आप अपना मस्जिद बनाए, भाई भाई बनाए, है ना भाई भाई, कोई विशेष बात नहीं। हाँ। अब इतनी दोनों फरीकन में इतना जुझ है, और इसमें फायदा कुछ नहीं होगा, बस नुकसान के अलावा क्या फायदा है भाई, पैसा हर जगह जो लड़ाई हो ठनी तो पैसा लगी, इधर से पैसा उनका घाटा नहीं, पर हमारे लोगों का घाटा है। हम लोग चौराहे दुकान खोले, कोई पैसा काम नहीं होता, ये पैसा काम नहीं हो रहा है, घर जाने बताओ कितने का 4 किलो का नमक बिका रहा है, तो काका कहते किलो भरे का नहीं मिल रहा, डेढ़ रुपया किलो का नमक मिल रहा है, बस का है हमारे लोगन का गल्ला बखारी सस्ता है, सस्ता बस, और कोई चीज सस्ती नहीं है, सब गल्ला हमारा लोगन सस्ता है, और जत्ती है सब महंगाई है, ये बात कबो नहीं झगड़ा वो, अब हमारे यहाँ पर कोई वो वैसी बात नहीं है, ये तो बाहर का जो है सब, ये सब बातें बेकार की लड़ाई झगड़ा करने वाली है ना, मस्जिद कैसे बनी, अब बगल में बना लिया, कोई बात नहीं झगड़ा शांत कर लिया, शांत हो बिल्कुल, लेकिन अब एक उठाव वाली बात है तो वो बात अलग, लड़ाई वाली मतलब बात हो गई। आप हिंदू हैं कि मुसलमान? नहीं हम तो हिंदू। तभी आप सोचते हैं कि यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों भाई हमारे मंदिर बना हो, कोई थोड़ा लगे तो हम कैसे बात तोड़ जाए मंदिर, तो अगर तुमको मस्जिद बनाना है तो अपना अलग बना लो, या जैसे भी लोग उनको मंदिर बनाना है तो अलग बना लिया, दूर मस्जिद न तोड़ा, जैसे एक चीज़ बनी है तो तोड़ना नहीं ठीक, वो क्यों तोड़ा आप लोग कौन से जाते हैं? विश्वकर्मा लोहार, मतलब लोहे का काम करने वाला। तो आप में से कोई ब्राह्मण राजपूत तो नहीं? नहीं नहीं, इसमें ब्राह्मण कोई नहीं। हाँ ब्राह्मण कोई नहीं, ब्राह्मण लोग तो चाहते मंदिर टूट, मस्जिद टूट के मंदिर बन जाए, सीधा मामला उनका यही है और कुछ नहीं, उनका माहौल ही। यहाँ कितने साल से हैं? करीब 35। तो आप पुजारी हैं यहाँ इस मंदिर के? क्या नाम है आपका? महंत भला लाल। ये जो अभी हो रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो बहुत बहुत बढ़िया अयोध्या था, कोई अयोध्या में कोई बवाल नहीं था, बहुत कोई परिपंच नहीं था, एकदम भगवान को नगरी शांत स्वभाव था, अब तो बवाली बवाल बवाली बवाल बवाली बवाल चलता है, यहाँ पे मंदिर बहुत सारे हैं ना? हम मंदिर बहुत है, पुरानी जमाने के 5,000 मंदिर रहे, आप तो घर घर मंदिर है, घर घर सब मंदिर है, जो दो कोठरी बनाए जो भगवान को मंदिर बनवा लिए हैं, और मस्जिद भी है यहाँ पुराने, मस्जिद भी कई गो है, जब अंग्रेजों की जमाना था तो मुसलमान भी काफी था, कोनो आवाज बवाल नहीं होता था, अयोध्या के जिम्मेदार रहे मुसलमानों, जो अच्छन मियाँ नाम को था, पहले अयोध्या का जिम्मेदार था, ये अमावा कोठी है, ये सब मुसलमान का था, ये सब पूरा मस्जिदें रहे, हाँ ये मणि पर्वत है जो कम से कब्रे कब्र है, वहाँ करीब कोतवाली के पीछे मस्जिद भी है, वहाँ नौगज के कब्र है, कोई बवाल नहीं था, कोई परिपंच नहीं था, ये तो
केवल वही राम जन्म भूमि के तब से बवाल 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 शुरू होते, बस वो जब नैयर साहब रहे तब से, पहले कहाँ बवाल रहे हैं। भगवान जन्म लिया था, अभी नहीं मालूम कि ये घर में लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया कि वहाँ पर लिया, मगर भगवान अयोध्या में जन्म लिया। अब ये कैसे कहो कि हम यही मस्जिदे में जन्म लिया, आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाए गए, ये मात्र एक संप्रदायिता का दंगा कुर्सी और पैसे के लिए फैलाए गए, न कि ये राम जन्मभूमि के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया, भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर, और कब बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहाँ की भोग व्यवस्था चालू करवाया। तो यहाँ की जनमानस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ किराए के साधु जिनको पैसा चाहिए, पैसे पर खरीदे गए, रामशिलाएँ घुमाई गईं, उसके उन रामशिलाओं को उन लोगों ने अपना कमरा अपना मकान बनाना शुरू किया, और काफ़ी जनभावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली, करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, लाख विभिन्न बैंकों में इन्होंने डाला और लाखों रुपया इन्होंने व्यक्तिगत अपने खाते में इन लोगों ने डाला। तो लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम के नाम पर तनाव फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, ये सभी उच्च जात के लोग हैं और ये सब के सब सुविधा भोगी हैं। इनमें त्याग और तपस्या और जनमानस का हित लेस मात्र नहीं है, ये केवल धार्मिक भावनाओं को भार करके और स्वयं को सुख सुविधा में वो परिणित किए हुए हैं, ये जनहित की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आज बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसमें, और हम पैदल छोड़ करके एयरमेल से चलते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट पर चलते हैं, एयर कंडीशन के कमरे में रहते हैं। तो जहाँ पर हम एक तरफ भौतिकवाद उस भौतिकवादी व्यवस्था से अलग होकर के त्याग और तपस्या और जनहित की बात सोचते थे, उस जगह हम उसको त्याग करके और हम भौतिकवादी व्यवस्था में परिणित हो चुके हैं। जब हम भौतिकवादी व्यवस्था में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भौतिकवाद की ही बात सोचेंगे, हम उससे परे हट नहीं सकते हैं। तो ये आज के धर्माचार्यों को कि आप क्या कहेंगे, हम तो इनको भौतिकवादी व्यवस्था का एक पोषक मानता हूँ मैं। ये जो पूंजीपति कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर देश के पूंजीपति जो आज धर्म की, आज अशोक सिंघल को इस बात को जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम के भक्त हैं, क्या राम का यही आदर्श है कि 90% लोग भूखों मर रहे हैं? ये हमारे देश की जो विषमता है आज, ये क्या इन धर्माचार्यों की स्थिति पर नहीं चाहिए? अगर आप बड़े पूंजीपति हैं, आपके पास पैसा है, आपके कहने में एक पूंजीपति समुदाय देश का है, तो उन पूंजीपतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाइए आप, जैसे मदर टेरेसा कर रही है, या और जिन धर्माचार्यों ने किया है, पूर्व जो धर्माचार्यों ने हमारे ने किया है, उनका अनुकरण करें आप। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे, अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पर प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया, फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया।
विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हों या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती, और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेज हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेज कैनेडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 100,000 से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है, और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया, ये हमारी नॉलेज में था। ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंगल ने एक रिटर्न फाइल की, जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूँ कि कहाँ से पैसा आया कहाँ से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए, उसके आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इन्फॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफ़ी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहाँ पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है, क्योंकि इनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं, हम तो कहते हैं अगर नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पर, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापिस तो इसी ख्याल से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने MBA पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था यहाँ पर। अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा। क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया है जो मेरे साथ हुआ है, तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूँ भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। जब आपने ये सब कार्रवाइयां शुरू की तो उसके बाद किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला या धमकियां वगैरह दी? हाँ, मेरे को दो लोगों ने धमकियां दी, मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। दो धमकियां दी उन्होंने, कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। सब जगह पैसे वाला गरीब को जलील, जलालत जो है सब जगह घुस गई है। और धर्म का उसका नाम देना, ये तो बहुत गलत बात है, धर्म तो बिल्कुल ही नहीं है कम से कम। तीस अक्टूबर को हिंदू पहुंचेगा, सरजू में एक बूंद जल नहीं रहेगा, वो खून की धारा से नदी बहेगी और सारा अयोध्या रक्त रंजित हो जाएगा। हल्दी घाटी अयोध्या बनेगी, यही इम्फाल का मैदान अयोध्या बनेगा, जलियांवाला बाग कांड का उदाहरण अयोध्या प्रस्तुत होगा। बोलो राम जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय। मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मारेंगे मर जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर का दिन इसलिए भी चुना क्योंकि इसी दिन अयोध्या में हर साल पंचकोसी परिक्रमा होती है। सरकारी प्रतिबंध
उन पर भी लग गया है जो सिर्फ परिक्रमा करने आए हैं। कौन तीर्थयात्री है और कौन मस्जिद तोड़ने आया है पहचानना मुश्किल है। कल क्या होगा? कल ये होगा कि हमारी मौत होगी। अजल सर पर खड़ी हरदम मुझे मालूम होती है, मेरी हर सांस मुझको आखिरी मालूम होती है, मौत है। कल क्या होगा? एक अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सांस निकल जाए खत्म। देखिए ना, जयपुर को जला दिया, फूंक दिया, बर्बाद कर दिया, सारा भारत हमारा जल रहा है इसी एक प्रॉब्लम पर। हमारे आपके तालुकात में कोई फर्क आएगा, लेकिन आज ऐसा कि हम एक दूसरे से भय कर रहा है, डर रहा है, बोलते घबराता, आदि बात करते घबराता है, मिलते दूसरे के दूसरे मिलते हुए घबराता है। ऐसी भावना खराब कर दी गई हिंदुस्तान की, इस भारतवर्ष की, कि इसका जवाब ही नहीं मिलता है। साहब पैकर्मा करने तो हम तमाम मुसलमान जाते थे, शौकिया कुछ यारी दोस्ती में। भैया क्या फर्क पड़ता है पैकर्मा करने में? पानी पिलाते थे। धार्मिक मामला ऐसा होता है कि हम आप एक थाली में बैठ कर खाएं, लेकिन जहाँ मामला आया बाबरी मस्जिद का, जन्मभूमि का, तना क्या आप उधर खड़ी हुई, मैं इधर खड़ा हो गया, ना बहन रही ना भाई रहा। गांव के जो हिंदू हैं उनकी क्या इसमें? हमारे मन में कोई फर्क नहीं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग, और ना उनमें भी खड़े हैं ये, ये, ये वो पीछे हैं, पीछे लोग खड़े हुए हैं, भैया खड़े तो हैं सब। यहाँ की जो आबादी है जी, इसमें हिंदू मुसलमान का कितने हिंदू है, कितने मुसलमान? लगभग बराबर यहाँ बराबर बैठे हैं, मगर मेरे गांव में हिंदू मुसलमान की भावना कोई ऐसी नहीं ना कि हम हिंदू है या मुसलमान है। मेरे यहाँ शादी ब्याह होता है, वो परसते हैं, हम खाते हैं, हम परसते हैं, वो खाते हैं, मतलब दोनों पार्टियों में एकदम भाई बंदी और वो है भाईचारा है। तो हमारे गांव में तो कोई ऐसी बात ही नहीं ना। तो इस माहौल में भी वो भाईचारा जी हाँ, हमारे यहाँ कायम है, हमारे यहाँ कायम है भाईचारा। आस पास के गाँव जितने हैं यहाँ पे अयोध्या के 10-15-20 किलोमीटर एरिया में, उसमें सांप्रदायिक आपको बहुत कम मिलेंगे। और जब तक यहाँ बाहर के असामाजिक तत्व नहीं आएंगे, तब तक यहाँ झगड़ा होने कोई सवाल नहीं ना। हाँ, जिस टाइम असामाजिक तत्व आ जाएंगे उस टाइम तो झगड़ा होना है। आप जनता को सूचित किया जाता है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बल प्रयोग किया जाएगा। आम जनता को सूचित किया गया है कि शहर में कर्फ्यू पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जान नहीं है। जिस हिंदू का खून निकले नहीं पानी है। जिस हिंदू का खून निकले नहीं पानी है। 30 अक्टूबर 1990, कार सेवकों को सरयू पुल से अयोध्या जाने से रोककर बसों में बैठाया जा रहा है। पुलिस की ओर इशारा करते कार सेवकों के नारे गूंजते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में वर्दी कहां से आए? मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। 162 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर जब बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम ईश्वर को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। 3,500 भगवान भी तो हम ही हैं।
भगवान का रूप हमारे अंदर है, हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर हो, अगर वो उसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर, गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे, हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक है, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। एक गौर कीजिए कि महात्मा गांधी को भी गोली किसने चलाई? गोडसे ने। गोडसे कौन था? हिंदू। क्यों चलाई? अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हर आदमी गोडसे ही बन जाएगा। फिर तो बिल्कुल सही किया है उन्होंने, बिल्कुल सही किया है। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए। महात्मा गांधी की हत्या आपका ठीक है? बिल्कुल सही किया है उसने, गौडसे ने कोई गलत नहीं किया। और अधिकार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है, अधिकार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अच्छा, उसके मगर जात कौन सी आपकी? छत्री। छत्री छत्री यानी राज अरोड़ा। अरोड़ा भैया, अरोड़ वंश के हैं हम। और हारे हैं भैया, इनको पूरा कर लेने दो, हमारा झगड़ा इंटरव्यू पूरा कर लेने दो। आप कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट। और क्या करते हैं? हम पंडा हैं गंगा जी के। आप क्या करने आए हैं? परिक्रमा देने। परिक्रमा देने हैं? हाँ। और कार सेवा के लिए भी आए कि? नहीं। हाँ? हाँ? सिर्फ परिक्रमा करने? सिर्फ परिक्रमा। तो आपको मालूम था कि यहाँ पे कार सेवा भी ये लोग कर रहे हैं राम जन्मभूमि? हाँ, ये मालूम है, मगर हमको जब कर्फ्यू खुल गया और जब हमको कल भी हमने सुना कि परिक्रमा लगेगी तो फिर हम आए। यानी आपको ये मंदिर के और मस्जिद के झगड़े से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद भी रहे और मंदिर भी रहे? कोई नहीं, हम तो जाके मंदिर में ठहरेंगे। एक मंदिर में, यहाँ एक मंदिर है सागरिया पट्टी में, वहाँ ठहरेंगे। अच्छा, तो आप ये नहीं कह रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे? कौन, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने चश्मा को और खो गया, सो अंधे और हो गए। अच्छा, हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ, तो चलिए चश्मा आपका गायब हो गया? हाँ, चश्मा गिर गया। अरे यार, श्रीमान जी निकल रहे हैं, श्रीमान जी, श्रीमान जी, है स्वयं ऊंची जाति के हिंदू होने के नाते कई प्रशासकीय अधिकारियों की विश्व हिंदू परिषद के प्रति हमदर्दी छिपी नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एससी दीक्षित, जो पहले पुलिस में आईजी थे, अब पुलिस द्वारा दिए गए माइक पर कार सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। जय सियाराम, जय सियाराम।
भाषण खत्म होते ही अचानक पुलिस पीछे हट जाती है। कुछ ही क्षणों में कार सेवक एक बस हथियाकर घेरा तोड़ते हुए मस्जिद की ओर उमड़ पड़ते हैं। करके मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया और तोड़ करके ही हमने चाहा जो कुछ हो जाए, लाठियां उठते भी रहे और हम तोड़ते भी हमारे पुलिस ने ऊपर ऊपर मस्जिद पर थे हम तो नीचे से गोली मारी पुलिस वालों। आपकी जानकारी में कितने लोग गोली में मरे? करीब 4 लोग मरे हैं। ज्यादा मरे होंगे ऐसे दोनों साइड से लोग? चोट आई है, पुलिस भी घायल हुए एक दो, भले चोट आई और लोग मरे भी हैं। तो आपको ये बुरा नहीं लगता है कि आपने जो कार्रवाई की है उससे लोगों की जाने गई? तो अगर आप ये नहीं करते तो वो जिंदा रहते हैं ना जी, तो इसके बारे में बुरा नहीं लगता? नहीं बुरा तो लगता है सर, लेकिन फिर भी हमारे भाई है, हमारे भाई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, सीआरपी वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाज़त दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। अब उसके जरिए हमको जो है बहुत दुख है, उसके लिए हमें दुख है जिनके जाने गई हैं, ये घायल व्यक्ति हैं और जो घायल है हुए हैं उनके लिए भी हमको बड़ा दुख है। ही नहीं पर कि पूरे भारत की जनमानस को इसका विरोध करना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हम किसी के दिल को तोड़े नहीं, हमारा धर्म ये राव नहीं करता है, इस चीज़ को कभी अनुमति नहीं देता है। राम का हमारा ये जो आदर्श है राजनीति का, वो यही है कि जनता सुखी रहे और जिस तरह से मुख में हम भोजन डालते हैं पेट को मिलता, सभी अंगों को मिलता, उसी तरह से सारी जनता हमारी है, कोई उसमें छोटा बड़ा कोई उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन उन आदर्शों की सीधी हत्या की गई। मगर आज जो लहर चल रही है हमारे देश में, इस लहर में जो लोग घृणा की भाषा बोलते हैं उनके पीछे ज़्यादा लोग चलते हैं और जो लोग प्यार की भाषा बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं उनके पीछे कम लोग हैं? ऐसा नहीं है, ये तो जैसे बाढ़ आती है भाटे की तरह से, जब तूफान आता है तो उन्हें तमाम पेड़ गिर जाते हैं, तमाम मकान रह जाते हैं,
सड़क नष्ट हो जाते हैं, तमाम परिवहन सेवाएँ ठप हो जाती हैं। एक दोहा लिखा है आरण्यकांड में कि हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंड बाधते लुप्त भये सदग्रंथ। जब घोर बरसात होती है तो इतनी घास उग जाती है जो सही रास्ते वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी तरह जिस तरह से पाखंडियों की बात से सही बात जो है छिप जाती है। जैसे कोई आदमी खा लिया कोई नशा, नशा जब तक उसके शरीर में रहेगा तब तक कोई भी क्रिया कर सकता है, पागल भी हो सकता है, अटैक भी कर सकता है, स्वयं की आत्महत्या कर सकता है। ये सब उन्माद होते हैं, विचार चिंतन ये सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बरसात ऋतु थोड़ी ही देर तक होती है, बाद में लोगों की समझने की सोचने की ये क्षमता होती है। तो आज जो कुछ लोगों में इस तरह की बातें हैं ये एक उन्माद है, और जब लोगों को असलियत सामने आ जाएगी, जब लोग जान जाएंगे कि हाँ ये बात गलत कही गई, हम लोगों को गुमराह किया गया, तो अपने ही लोग उसका बहिष्कार कर देंगे। मैं बहुत दुख महसूस करता हूँ, तब भी मैं अपने को उतना ही संयम उतना ही धैर्य में अपना बना रखा हूँ। तूफान है लेकिन उस तूफान से हम उसे विचलित नहीं होना चाहिए। ये भाटी की तरह से आया और गया। मंदिर के अंदर हमें जाने ही नहीं दिया जाता है तो मंदिर से हमें क्या लाभ है? मंदिर की मूर्ति अगर पिस जाए, पीस दी जाए, तो वो तो दोबारा हम कई प्रकार के मसाले से बना सकते हैं, लेकिन हमारी अगर जनता कट जाए तो हम किसी प्रकार का मसाला उसमें नहीं लग सकता है। और अगर देखिए हमारी इस बस्ती में बहुत से लोगों की जलमभूम हुई है, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। अभी यहीं गांव से करीब करीब 150 बस्ती है, उनको निकाला जा रहा है, और ये कहीं केवल राम है, उनकी भूमि के लिए लोग कितना परेशान है, और संख्या भी उसके पीछे दौड़ रही। देखिए मैं क्यों दौड़ूं? साधु देखो जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। साधु देखो जग बोराना, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरत हैं, मर्म कोई नहीं जाना, मर्म कोई नहीं जाना। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, बहुतक देखे पीर आलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उनहू खुदा न जाना, उनहू खुदा न जाना। या विधि हंसत चलत है हमको, आप कहावे स्याना, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें
कौन दीवाना, साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना।